भर्थना होकर रेवाड़ी से कानपुर जा रही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की तेल पाइपलाइन में कट लगाकर तेल चुराने वाले गैंग के मुख्य अभियुक्त समेत 4 सदस्य गिरफ्तार। अब तक 11 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। इनके पास से एक टैंकर और एक बुलेरो बरामद। भर्थना के ग्राम सैफी का मामला है। 30 मई को पाइपलाइन काटकर तेल चुराने का किया गया था प्रयास। 9 जून को पुलिस ने 7 तेल चोरों को किया था गिरफ्तार। इंस्पेक्टर भर्थना कृष्ण लाल पटेल, उप निरीक्षक कासिफ हसीन और टीम और SOG प्रभारी अनिल विश्वकर्मा, उप निरीक्षक सुमित चौधरी और उनकी टीम ने तेल चोर गिरोह के मुख्य अभियुक्त समेत 4 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस को सफलता हाथ लगी है। देखिए 29/30 मई की रात में थाना भर्थना क्षेत्र में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो पाइपलाइन जाती है वहाँ से तेल चोरी का प्रयास हुआ था। इस पे मुकदमा लिखा गया था और मुकदमा लिखने के बाद इसमें 7 मुलजिम 5/6 जून को गिरफ्तार हुए थे। 2 अभियुक्त ऐसे थे जिनका हमने नाम ओपन नहीं किया था जो वांटेड में थे। उसमें से एक वांटेड जब पकड़ा गया तो एक पूरी लिंक निकल के आई। 4 लोग फिर गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से मेन मुलजिम जो था पिंकी वो गिरफ्तार हुआ है। उसके ऊपर 2 मुकदमे हैं, चोरी का है, दूसरा 302 का केस है। इसने जो है ये पूरी व्यवस्था कराई थी और पूछताछ के बाद कुछ नाम और निकल करके आ रहे हैं कि जिसने वो संस्थान को चिन्हित किया था सरिया से ये पाइपलाइन जा रही है। और एक मुलजिम और जो शुरुआती दौर में प्रकाश में आया था उसके अलावा जिन्होंने टैंकर की व्यवस्था कराई थी जहाँ बेचने की बात थी ये लोग ही पकड़े गए हैं। तो इस तरह से पहली बार जो पकड़े गए थे 7 लोग उन लोगों ने तो वहाँ क्लैंप लगाने का अवसर प्राप्त किया था। ये जो टीम पकड़ी गई है इसमें से 1-2 लोग जो है वहाँ मौके पर आए थे और टैंकर की व्यवस्था करके आए थे। 12,000 लीटर का ये टैंकर है। प्रकाश में आया है कि जनपद मैनपुरी में बायो डीजल करके ये लोग पेट्रोल पंप चला रहे हैं और यहाँ इस तरह की सुविधाएँ चल रही हैं। इसमें और आगे विस्तार से देखा जाएगा कि इनको बायो डीजल पंप चला रहे हैं इनको तेल कहाँ से मिल रहा है, क्या लीगल है कि नहीं है, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से 4 लोग पकड़े गए हैं, टैंकर बरामद हुआ है और एक बुलेरो बरामद हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया। इससे पहले भी ये लोग क्या इस तरीके की घटना को अंजाम दे चुके थे? इसमें से पिंकी जो पकड़ा गया है इसका कहना यह है कि एक बार दिल्ली में कोई घटना हुई थी, इसमें एक गाड़ी चलाने का काम किया था। बाद में बसरेहर क्षेत्र तक ये लोग आए थे, फिर आगे जाने के बाद बिहार का कोई ड्राइवर था वो गाड़ी लेके आ गया। इसमें अभी मेन मुलजिम जो हमारे टारगेट पे है वो नहीं पकड़ में आया। उसके पकड़ में आने के बाद पूरी स्थिति क्लियर होगी कि ये पहले अपराध किया है। क्या इन्होंने बताया किस तरह से रैकी की थी कि बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, टैंकर कैसे इनको उपलब्ध हुआ? लगभग लगभग 160 किलोमीटर की है। रेवाड़ी से कानपुर ये 2015 में। 160 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है तो इसकी सिक्योरिटी के लिए किस तरह के इंतजाम किए? इस तरह की घटनाएं इस तरह से हमारे पास सिक्योरिटी के काफ़ी सारे हम लोगों ने इस्तेमाल किए हुए हैं। हमारे 24 घंटे इसके ऊपर पेट्रोलिंग टीम रहती है जो 24 घंटे इसको निगरानी करती है। इतनी लंबी तरह से ये लोग कर रहे हैं, अभी ये मामला भी सामने है, तो इसको कैसे ट्रेस करते हैं? इसके लिए ट्रेस करने के लिए हमारे पास हमारे सिस्टम्स हैं, बहुत रोबस्ट सिस्टम है इसके लिए, जिसके थ्रू हम लोग ये सब चीज़ों को मतलब मॉनिटरिंग करके रखते हैं। इतनी लंबी लाइन है, कितनी बार इस लाइन पर इस तरीके की हादसा हो चुका है? प्रयास किया गया मतलब चोरी करने का? इस तरह के चोरी के प्रयास कई बार हुए हैं, वैसे गिनती तो मुझे याद नहीं लेकिन कई बार। लेकिन उनके आरोपी क्या कभी पकड़े गए आज से पहले? प्रशासन की तरफ से बहुत इसमें तेज कार्रवाई हुई है। इस तरह से इस बार पकड़े गए, इस तरह से पहली बार नहीं पहले भी पकड़े। ये जो तेल चुरा के इसको फिर किस तरह से इसको बेचने का किस तरह से यूज नहीं जाता है? देखिए तेल तो गाड़ियों को चलाने के ही काम आता है और ये इस तरह से किसी न किसी अनऑथराइज से बायोडी साहब ने बताया तो इस तरह के पंपर ही बेच के ये लोग। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।